हाय दोस्तों, आई एम काजी। यू आर वॉचिंग टेक्नो काजी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का वीडियो जो बनाने का मकसद है वो है यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक से आप कैसे बच सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो अगर कॉपीराइट स्ट्राइक जो होते हैं वो अगर आपके चैनल पे 3 बार आ जाए तो आपका अर्निंग जो है वो बिल्कुल भी हटाया जाता है और मोनिटाइजेशन जो है आपका वो बंद कर दिया जाता है। अगर आप अपने चैनल पे इस तरीके की मुसीबत बिल्कुल भी नहीं चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहे। तो कॉपीराइट स्ट्राइक न आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप YouTube चैनल पे नए हो और अपना चैनल आपने नए से स्टार्ट किया है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट डालने की कोशिश करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप किसी भी तरीके का कॉपीराइट कंटेंट यूज़ ना करें, यानी कि अलग बिल्कुल भी अलग अपना आपका वीडियो होना चाहिए। उसमें आप किसी भी अलग मतलब दूसरों के चैनल का कोई भी कंटेंट आप अपने वीडियोस में यूज़ ना करें, या फिर किसी भी तरह के गूगल के ऊपर के कोई भी इमेज आप अपने वीडियो में बिल्कुल भी ना डालें, जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है। उसके बाद वीडियो में आप अगर कोई भी म्यूज़िक ऐड करते हो तो आप किसी भी चैनल का या फिर किसी भी बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग यूज़ ना करें, तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगेगा। अगर आप अपने चैनल के वीडियोस पे म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो यूट्यूब के एक फीचर्स आता है जिसमें फ्री म्यूज़िक आपको मिलता है, उसमें से सिलेक्ट करके आप अपने चैनल के वीडियोस पे डाल सकते हो, जो कि फ्री माना जाता है, जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं लगती है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने चैनल का जो वीडियो है वो आपका टॉपिक जो है वो अच्छा होना चाहिए और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, और उसके लिए आपको व्यूज़ लाना होता है। बहुत ही ज़्यादा रूल्स होते हैं, तो व्यूज़ लाने के कोई भी गलत तरीके आप अपने चैनल के लिए यूज़ ना करें, या फिर कोई भी ऐप ऐसे जो व्यूज़ बढ़ाने का आपको वादा करते हैं या फिर कुछ भी आपके लिए ऑफर करते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करें। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने वीडियोस पे क्लिक बिल्कुल भी ना करें। जैसे कुछ लोगों ने किया था कि अपने वीडियोस पे क्लिक कर करके व्यूज़ बढ़ाने का, ये बिल्कुल भी नहीं चलता है, जो कि यूट्यूब रूल्स के बिल्कुल भी खिलाफ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने से आप बच सकते हो। मैंने भी अपने एक चैनल पे ऐसे ही किया था जिससे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, जिसके लिए मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसमें मैंने अपने वीडियोस पे गलती से हो या कुछ भी हो अपने आपके खुद के अपलोड किए गए वीडियोस पे क्लिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, आपको अच्छे लगे हो तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो ये रूल्स आप बिल्कुल भी फॉलो करो, तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने का कारण नहीं होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।